हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज का वीडियो में हम बात करेंगे आज पेंट प्लाजो, यानी कि लेडीज का जो गर्ल्स का फिटिंग वाला प्लाजो होता है उसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाए, आज उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़े पॉइंट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर मेजरमेंट हम ठीक से लेंगे तो हमारा कटिंग भी अच्छा आएगा और बनने के बाद उसका फिटिंग भी अच्छा आएगा। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो प्लाजो होता है फिटिंग वाला जो गर्ल्स का, उसका फिटिंग का जो साइज है वो किस तरह से हमें लेना चाहिए, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और हां, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों को कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे यार। और अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्लाजो है उसका जो लेंथ है वो हमें रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने मेजरमेंट लेना है लेंथ का, तो लेंथ जितना उनको चाहिए वो पोर्शन आपने ऊपर रखना है। अगर 39 चाहिए, 37 चाहिए, 36 चाहिए, तो लेंथ जहां पे जितनी हमें लेंथ चाहिए वो ऊपर रखना है, और ये जो मेजरमेंट टेप का लास्ट पार्ट होता है स्टार्टिंग का, इसको हमें नीचे की तरफ रखना है। ऐसे यहां पर उन क्लाइंट से पूछ लेना है कि उनको कितना लेंथ चाहिए, और ये पोर्शन जहां पर उन्होंने प्लाजो को बांधना है, यानी कि वेस्ट का पॉइंट आ जाएगा। जैसे इनका जो पॉइंट आ रहा है इनका डेनिम के हिसाब से, तो ये 36 आ रहा है। इनको थोड़ा ऊंचा चाहिए, यानी कि एंकल लेंथ तक चाहिए, इनको ज्यादा नीचे डाउन तक नहीं चाहिए। अगर नीचे पूरा डाउन चाहिए एंकल लेंथ तक, तो ये पोर्शन आएगा। और यहां पर इनकी लेंथ आ रही है 38, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसके हिसाब से इनको थोड़ा ऊंचा चाहिए, तो इनका आ जाएगा 36। तो 36 ऊपर रखना है और नीचे हमें पूरा ऐसे लेंथ दिखाना है। उसके बाद हमने साइज लेना है वेस्ट का, और वेस्ट का साइज हमें प्रॉपर जहां पे उनको प्लाजो को बांधना है वहां पर हमें ऐसे इस तरह से वेस्ट का साइज लेना है। इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है और ना ही लूज पकड़ना है। इसको प्रॉपर जितना मेजरिंग टेप रैप अराउंड हो रहा है उसी हिसाब से रखना है, ज्यादा लूज टाइट इसको मत पकड़ना, क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हिप का। हिप का यहाँ पर ऐसे फ्रंट से, इन्होंने तो डेनिम पहना है तो इजी हो जाएगा, नहीं तो जिन्होंने सूट पहना होता है तो फ्रंट से उनका हिप का मेजरमेंट लेने में थोड़ा मुश्किलात आती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा साइड पे जाना पड़ेगा। आप ऐसे घूम जाएं, ये देखो, ये यहां पर आपको हिप पोर्शन पे ऐसे मेजरिंग टेप को रख के आप ऐसे, अगर उन्होंने सूट पहना है तो आप ऐसे साइड से ले सकते हैं। साइज आपको पूरा लेना है, जितना इनका बॉडी फिट के हिसाब से आ रहा है वो मेजरमेंट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी मेजरमेंट आपको लेनी है। उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप था लेंथ, सेकेंड स्टेप था वेस्ट, थर्ड स्टेप था हिप। उसके बाद आ जाएगा इनका ये जो पॉइंट होता है नी पॉइंट से नीचे ये पोर्शन, क्योंकि अगर उनको फिटिंग में चाहिए तो ये चीज देखनी बहुत जरूरी है, और ये भी प्रॉपर पूरा मेजरमेंट टेप के साथ रैप अराउंड पूरा लेना है फिट। ज्यादा टाइट नहीं करना है मेजरमेंट को, मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपका नेचुरल वे में आ रहा है उसी हिसाब से लेना है। उसके बाद जो थाई होता है, ये जो थाई पोर्शन है इसका साइज कैसे लेना है, तो उसके लिए मेजरिंग टेप को ऐसे लेग्स के बीच में से निकाल के ऐसे आपको ऊपर कर लेना है, जितना यहां तक ऐसे ऊपर जाएगा, और इस तरह से आपको थाई का राउंड, पूरा राउंड होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप साइज लोगे तो आपकी फिटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी जब आप कटिंग करोगे। तो ये भी आपने टाइट नहीं पकड़ना है और ना ही लूज पकड़ना है, इसको प्रॉपर जो फिट आ रहा है उसी हिसाब से रखना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेजरिंग टेप को टाइट नहीं पकड़ना, प्रॉपर जो बॉडी फिट के हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से पकड़ना है। और हाँ,
लूजिंग जो है वो कटिंग के टाइम पे बाद में प्लस करेंगे। क्लियर? ये ऐसे इस तरह से ये ज्यादा कंफर्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत बारीकी से एक एक चीज, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है इस वीडियो में कि जो फिटिंग वाला प्लाजो है गर्ल्स का, उसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाए। क्योंकि अगर मेजरमेंट ठीक होगा तो हमारा कटिंग अच्छा होगा, अगर कटिंग ठीक होगा तो हमारा फिटिंग अच्छा आएगा, हमारा क्लाइंट खुश होगा। तो मैंने जो भी डिस्कस किया है उन चीजों को आप जरूर ध्यान देना। और अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो कुछ सीखने और सिखाने के हैं और मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मैं चाहता हूं, मेरा जो मकसद है, मेरे जो व्यूअर्स इस लाइन से रिलेटेड हैं उनके कहीं ना कहीं मैं कुछ काम आ सकूं, उनकी कहीं हेल्प कर सकूं इस फील्ड में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।